बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद दवान। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके हैं पैनासोनिक के डीसी इन्वर्टर एसी पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इंफॉर्मेटेड वीडियो होने जा रही है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और इसका कोई भी पार्ट जो है इसे मिस मत करिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। जो हमारी दोस्त वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों, इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है और आपका इसमें कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन के सामने है पैनासोनिक का डीसी इन्वर्टर एसी, जिसका मॉडल है जिसका हमें इन्वर्टर एसी है, और ये 1.5 टन का एसी है, जो कि मेड इन यूई है। और इसका जो मॉडल है ना, CS UE18WKF9 है, और प्योरली जो है ये यूएई का मेड एसी है। और आप जिसकी हम करने जा रहे हैं रिव्यू, और रिव्यू में इसके हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। और हमने ये दोस्तों आपके सामने जो इंडोर है उसको हमने अनबॉक्स कर दिया है, और ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत इंडोर है। इसका फिनिशिंग कमाल की है, और इसकी जो ऊपर ग्रिल है वो मैट फिनिशिंग में है। तो फीचर्स थोड़े से बताता चलूँ, ट्विन रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, पावरफुल कूलिंग है, T3 कंप्रेसर है जो कि अबव 50 जो है काम करता है। और ये देख सकते हैं कि लो रीडिंग जो है 1.5 एम्पीयर है, और लो वोल्टेज जो रेंज है 150 है। गोल्ड फिन में है ये इंडोर और आउटडोर, इसके वेपोरेटर कंडेंसर, और फोर वे जो है इसकी स्विंग है, और साथ में फायर प्रूफ PC बोर्ड है, इन्वर्टर बोर्ड है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ट्विन रोटरी कंप्रेसर है जो कि T3 कंप्रेसर, बहुत ही पावरफुल कंप्रेसर होता है, और कंजप्शन जो है वो कम होती है और एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है। जो कि आपके अगर एटमॉस्फेयर आपका या आपकी जो टम्परेचर्स हैं वो अगर 50 अबव भी हो तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये काम करता रहता है। जापानीज़ क्वालिटी में है, प्योरली यूएई से मेड है, और इसकी जो इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर एसी है टेक्नोलॉजी इंडोर आप दे सकते हैं। तो इंडोर इसके जो है वेपोरेटर जो है वो कॉपर में और गोल्ड फिन में है, इसकी जो ट्यूब्स हैं वो 100% कॉपर में है। और इसके देख सकते हैं आप, इसकी LCD जो है हैंडलिंग LCD है, ये एयर सेंसर पे लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर सेंसर है, फ्लिप भी काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, इसका ब्लोअर का डाया जो है मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, जिससे इसकी पावरफुल जो है फ़ैन की थ्रो है। मैट फिनिशिंग में है दोस्तों, और गैस जो है R410 है इसमें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। और अगर ये तो आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप इसको लाइव या इसको बराह रास्त देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि काफ़ी जो है ये खूबसूरत है। W वाइड में है ये, फ्रेंडली नेचर फ्रेंडली गैस जो है 410 में है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसकी जो है ये मॉडल W वाइट इसका कलर है, पैनासोनिक इन्वर्टर हीट एंड कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब इसका करते हैं आउटडोर की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार इसकी फिनिशिंग है और बहुत ही खूबसूरत है, क्या बात है। और साथ में ये देख सकते हैं इंडोर टू आउटडोर जो कनेक्टिंग पाइप पर साथ में दिया गया, मैं इसकी भी तफसील में आपको इसके साथ ही आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो बॉडी है, और ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं जो टोटली इसके अंदर जो जो हैं वो इसके ऊपर है, कितने वाट हैं, इसके हीटिंग के कूलिंग क्या है, टोटली कैपेसिटी क्या है, रीडिंग क्या है, और फुल जो है इसके एम्पेयर क्या हैं, और जो इसके लो एम्पेयर कितने हाई है। और साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं आपसे, इन्हें कॉपर वायर दी गई है साथ, जो इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन वायर है ये साथ में दी गई है, वे तकरीबन 4 गज इसके साथ तार है, ये एक्स्ट्रा ड्रेन पाइप साथ दिया गया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये इसका जो है कनेक्टिंग पाइप जो इंडोर से आउटडोर का है वो है, और फुली कॉपर में है, और ये 3 मीटर पाइप साथ दिया गया है, और इसका जो साइज़ है 1.4 और 1.2 है। और दोस्तों, ये है इसका वारंटी कार्ड, ये मैं दिखाता चलूँ आपको, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है ये वैलिड है वारंटी इसकी, और 5 ईयर इसकी वारंटी है कंप्रेसर की, और इसकी 1 ईयर जो है आउटडोर की जो PC और इंडोर PC और पार्ट्स की जो है। साथ में ये रिमोट है, बहुत ही खूबसूरत सा रिमोट है, स्लिम स्मार्ट सा है, फिनिशिंग बहुत आला है इसकी रिमोट की भी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी जो इसके रिमोट की।
और साथ में मैनुअल बुक दी गई है। तो दोस्तों इसका जो कंडेंसर है वो भी गोल्ड फिन में है, और इसकी जो ट्यूब्स हैं वो भी जो है फुली जो है 100% कॉपर में है। तो दोस्तों इसको हम कर रहे हैं इंस्टॉलिंग, इसकी इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद इसके आपके फ़ैन थ्रो ये वो जो है जितना भी है इसकी कूलिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो लुक है, लुक बहुत प्यारी है, ज़बरदस्त है। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है जो इसके फ़ैन ब्लेड के फ़ैन मोटर के आगे लगी है वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा डिज़ाइन और ख़ूबसूरत है। तो दोस्तों हमने एसी को कर दिया इंस्टॉल और अब इसको करते हैं ऑन। तो बताता हूँ कि इसकी कूलिंग कैसी है, इसकी फीलिंग, इसके अंदर जो है ये जो इसकी फ़ैन की जो पावर है वो कितनी है और एयर थ्रो कितनी ज़्यादा है और कूलिंग में कितनी पावर है, कितनी चिल है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता ही सकता हूँ क्योंकि मैं इसके सामने हूँ, इस फील करके बता सकता हूँ। तो जो इसकी दिखानी है और वो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसका जो है इसको आपको दिखाऊंगा इसका पावर, ताकि आपको फील होगी इसकी एयर जो थ्रो है वो कैसी है। तो अभी हमने इसको ऑन किया है 25 पे, तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी फ़ैन थ्रो है, बहुत ही अच्छी कूलिंग है क्योंकि इसका ऑन हो चुका है कंप्रेसर, इसका आउटडोर ऑन हो चुका है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पैनासोनिक के डीसी इन्वर्टर एसी पर, और इसकी प्राइस जो है दोस्तों 130 है, तो आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।